दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ, छोटी बहू तो बस नाम की है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी जैसे ही आशी के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर ताली बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं सुबह शाम अपने कमरे में आ गई, आंखें भर आई। 15 साल होने को आई मेरी शादी को, आशी को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी की जादाती बर्दाश्त करूंगी, इस बार मैं सुख नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घूरती रहूंगी मम्मी जी की सेह पर। अब आशी मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ ना कुछ बोल देती है। मैं सोचती मैं बड़ी हूँ और आशी जयपुर से साल में एक बार ही आती है, खुशी खुशी जली चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है आशी मेरे देवर वरुण की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आशी और वरुण आगे आ रहे हैं। उनका कमरा बाथरूम सब समारा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का वंश सरता तो दोपहर के फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और निया को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। आशी तरुण आ गए हैं, मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही है और मैं किसन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती है आशी बेटा कितनी कमजोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा तू घर बार सब संभालती है। हाँ मम्मी जी घर बैठे बैठे कैसे दो रोटी मिलेगी। अनीता भाभी जैसी मेरी किस्मत का जो आपका पैशन भी, ये तो सही बात कहा तूने आशी। इतना के बाद भी मम्मी जी आप कमजोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा मेरे पैसे से सबको मतलब है, बाहर घर रेट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। मम्मी जी कह रही थी सास बहू का ये स्वादुभ अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। मैं किस्सों से बाहर निकल पड़ी। आशी तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ आपके घर में हम रहते हैं, आपका पैशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था डायलिसिस के लिए। सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती क्योंकि संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वरुण पढ़ाई कर रहा था, सिनेमा देखने घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादी शुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आशी हनीमून के लिए सिंगापुर गई, आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे तो घड़ो पानी पड़ जाता आपके ऊपर। रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा 2-4 दिन में, समझे समझा कर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज दर्द नाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती, सुबह उठते ही गर्म पानी और साय लेकर खड़ी रहती हूँ, आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती है तुरंत बना के देती हूँ। पर आशी जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लाकर दे देती हैं और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हैं। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ला देती हैं, सर माथे लगा पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आशी को इतनी
महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था। पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर ऐसे ही दे देने को कहा। तब से आशी को पैसे ही देती है वो साड़ी। निधि दीदी को ये कहकर दिया, तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमें ऐसा रेट और पैसन का ताना देती है, माफ कीजिएगा। आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी आपको, ठीक हाइड्रेशन हो गया था। बच्चों की परीक्षा भी सब छोड़कर 7 दिन हॉस्पिटल में रही। आपके साथ आपका हार्ट टूट गया था तो नहाती थी आपको मैं, अपने हाथ से खाना खिलाती भी बात बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी। आपकी सेवा करने इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके या शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना है। पता नहीं संजय गए और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा आपका पैसन और रेट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर के जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और आशी छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तो रास्ते में अपने रास्ते में रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और आशी को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और आशी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों सौकड़ थी। संजय जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए, मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर घर में, अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगली बांगली जाके लगी, कहीं सास को उससे ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रख कर मत करने में बहुत फर्क होते हैं। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं। और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं। एक कहावत है ना कि दूर के ढोल हमेशा सुहानी होती है। सास को भी आज एहसास हो गया था।